मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र स्थित तीन घरों में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी और 50 किलो मैथा का तेल चोरी करके इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से पूछताछ करते हुए जांच शुरू कर दी है। मुंडा पांडे इलाके के ग्राम हसैनपुर में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने कुंवर पाल सहित तीन लोगों के घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इनमें से एक घर कुंवर पाल का बताया जा रहा है, जहां से चोर चोरी कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी चुरा ले गए हैं। इलाके में बड़ी चोरी की घटना होने की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों से बात करते हुए जांच में जुट गई। राजकुमार जी, क्या घटना हुई? रात चोर आ गए थे। क्या हुआ? मैं रामपुटी से आया था फर्स्ट 12 बजे, ठीक है। उसके बाद में अरे गेट खुलवाया मैंने और फिर मैं आके लेट गया। फिर उसके बाद में जो है सुबह पता पड़ा कि जो है गांव में चोरी हो गई, तो घर मम्मी ने आकर आवाज़ दी बाहर से, मैंने देखा तो मेन गेट खुला पड़ा था। अच्छा, क्या 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 गया आपके? पैसे ले लगा दिखाने। कितने? 12,000। आपने इसकी शिकायत पुलिस में करी? यहाँ करा थी, पुलिस में करा था। मौके पर पुलिस आई? हाँ, आई थी। सुबह भी आई थी, फिर दरोगा भी आए थे और मैंने दोनों चला था। आपको कैसे पता चला? सर सुबह देखा था ना मैंने, मोहल्ले वालों में से शोर शराब हो रहा था, तो मैंने पता नहीं क्या हुआ। फिर भाभी उधर से आई, उन्होंने आके बताया कि ऐसे चोरी हो गई। हम सब लोग उठे इतने बड़बड़ा गए तो देखा तो हमारे घर पे हो गई, मैंने गेट खोलना पड़ा था। कौन सा काम है? कुंवर पाल जी, क्या घटना घटी है रात? ये रात हम तो नीचे सो रहे थे, हम तो जब सुबह उठाए हैं पड़ोसियों ने कहा उठियो, गाँव में बहुत चोरी आ गई, तुम तो आज लेट सो रहे हो। तब हम उठे, तब हमें पता लगा कि इनके घर देखने गए। उसके बाद हमारे यहाँ हमारी मिसिज बोली कि वो रात अपना दरवाजा खुला हुआ रहता और ये बहुत लापरवाही करे हैं। अब हमें पता थोड़ी था चोर खोल के गए। फिर दिमाग में आए कि चलो ऊपर तो देख लें, ऊपर दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो ये बराबर वाले में कमरे में सो रहे थे और इसमें सबका खोल के ले गए। उसमें कुछ था नहीं, इसमें था सारा सामान। अच्छा, कितने की चोरी हुई लमसम? लमसम 22 तोला तो सोना गया है, क्योंकि एक लड़की का सोना हमारा सब यहीं रखा था, वो यहीं रखेगी मम्मी पास, तो मैं मम्मी यहीं रख लो मेरा, मैं मना ले जाऊँगी। और 11 तोला सोना उसका था, लड़के का, हमारे बीच वाले का, बड़े का तो नीचे अपना साथ रखता था अपना। और 50 लीटर तेल था यहाँ पर। किस चीज़ का? मेहनता का। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में या? हाँ, पुलिस में दे दी सुबह। मौके पर पुलिस आई? हाँ, मौके पर आई थी, देख के गए सब, फोटो वोटो खींच के भी ले गए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई देख लेंगे, क्या भाई करेंगे भैया, हाथ आ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, कौन सा नाम है? हरसैनपुर। आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाह रहे हैं कि अगर वो हाथ आ जाए तो पता लग जाए, मिल जाए थोड़ा बहुत, ना भी मिला तो पकड़े तो जहाँ साले। अच्छा, तुम्हारे घर से हटके और भी किसी घर में चोरी? हाँ, 2-3 घर में और हुई है। एक जगत सिंह है जाटों में, इधर राजू नाम है उसका, राजू के हुई है। और इनके यहाँ चढ़े थे और एक साड़ी बांध के पत्थर में नीचे को लटका रही उतरने के लिए, ये दोनों भाई दरवाजे पे सो रहे हैं अंदर से, तो फिर वो उतर के चले गए, इनके यहाँ कुछ नहीं करा। अच्छा, किस टाइम की घटना होगी? टाइम का अंदाज ही नहीं लग रहा, 2 बजे उठे थे हम रात को, तो दरवाज़ा खुला हुआ था, वो लगा दिया हमने, क्योंकि कभी कभी रह जाता था खुला हुआ बच्चों की लापरवाही में, तो हमने कहा ये रात खुला हुआ रह गया लगा दो इसे, तो मैंने 2 बजे लगा दिया। ऐसे थोड़ी बताते रात चुराए, वो खोल के गए, वो यहाँ से सामान ले गए, वो निकल के आराम चले गए, हम हॉल में नीचे सोते रहे। ठीक।